प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को गोरखपुर महोत्सव में लगाए गए कृषि मेला का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तथा पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कृषि मेला में लगे अलग अलग स्टालों का निरीक्षण किया तथा कृषि उत्पादों के द्वारा पैदावार किए गए उत्पादों का जायजा लिया। आपको बता दें कि कृषि मेले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी तथा खेती में प्रयोग होने वाले खाद, आधुनिक कृषि यंत्रों तथा उपकरणों सहित कुल 52 स्टॉल लगाया गया एवं मेले में 3,500 किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, मंजलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, एडीएम फाइनेंस तथा महोत्सव के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक संजय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी उद्घाटन किया जा रहा है। पंडाल में विभिन्न प्रकार के कृषि विभाग के स्टाल और संबंधित स्टाल लगाए गए हैं। स्टॉल हमारे लगे हैं, थोड़ा पंप भी लगा। जो भी माननीय सूर्य प्रताप शाही जी उत्तर प्रदेश आप लोगों द्वारा सवा किलो चावल है, काले गेहूं का दलिया है, काला कोदो का चावल भी है। मड़ुआ नहीं है? धन्यवाद आपको। मड़ुआ नहीं खे? मड़ुआ मड़ुआ का आटा है। अरे भाई संगत भवन में हम लोग बहुत मिले हैं। अतिथियों द्वारा विभिन्न प्रकार के विस्तार का अवलोकन, माननीय मुख्य कार्यकारी महोदय द्वारा सहयोग, विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। जैसा पशुपालन जो गोरखपुर में बताई ये फार्मिंग का बहुत शुरू कर दिया पहले। प्रणाम प्रणाम सर। ये सर ऑर्गेनिक है और गो आधारित खेती पे तैयार किया गया है और मटर और ये नर्सरी हम जो है आपके आपने जो पोली हाउस दिया है सर उसमें नर्सरी तैयार द्वारा अपने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संदेश दिया था कि हम कोरोना से जंग भी लड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, उस संकल्प के साथ पूरी सतर्कता के साथ इस महोत्सव का आयोजन आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिससे एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा आसपास के लोगों को प्राप्त होगी और जो कोरोना का एक निराशाजनक वातावरण था वो निराशाजनक वातावरण से आगे निकल करके जीवन के पथ पर अग्रसर होने का एक पथ पर। पर्यटन के 2 दर्जन से ज़्यादा स्थलों पर काम हो रहे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा स्थलों के विकास कार्य हो चुके हैं और एक पूरा सिद्धार्थ नगर का कपिल वस्तु, कुशीनगर का स्थल, यहाँ पर गोरखपीच, रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल, आसपास के जितने भी इन स्थलों को मिलाकर के एक पर्यटन का हब बनाने की योजना पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के विकास की रचना हो रही, विकास की गाथा सभी नौजवानों को अपने आइकान कह लीजिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को और उनके सिद्धांत को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। और जब उन्होंने कहा है कि उत्तिष्ठित जागृत उठो और तब तक चलते रहो जब तक कि संकल्पना और परिणाम सामने ना आए।